रुकिए, अच्छे से नहीं लगाए, कुछ से लगाए ना। नहीं यहाँ से, बेटे यहाँ से नहीं। सिवान में प्रेमी के प्यार में फंस गई लड़की 10 दिन बाद प्रेमी रखने से किया मना, घर से भगा रहा है। अब लड़की के माता पिता मुखिया सरपंच के दरवाजे का काट रहे हैं चक्कर। जानिए पूरा मामला। अक्सर देखा जाता है कि प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से दूर होने के बाद अपने कदम पीछे खींच लेते हैं और मान लेते हैं कि हम दोनों का साथ नसीब में नहीं था। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हो जाते हैं जो अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। वहीं बिहार के सिवान जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के टेघरा गाँव निवासी एक युवती की दर्द भरी कहानी प्रकाश में आई है। प्यार के चंगुल में फंसी युवती को अब प्रेमी के माता पिता उसके घर वालों के हवाले कर प्रेमिका युवती से पल्ला झाड़ने से के फिराक में लगा है, जिसे लेकर लड़की पक्ष के परिजन परेशान हैं। परिजन स्थानीय मुखिया सरपंच के दरवाजे को खटखटा रहे हैं। दरअसल मामला स्थानीय थाने क्षेत्र के कसदेवरा पंचायत के छोटका टेघरा गांव का बताया जाता है। लड़की सिवान जिला के मैरवा के राजकुमार मांझी की 19 वर्षीय पुत्री सीमा कुमारी अपने फूफा अनारमा मांझी के घर महाराजगंज के टेघरा गांव में आई थी। बताया जाता है कि अपनी फूफा की तबीयत खराब रहने के पिछले 2 साल से यहाँ रह रही थी। इसी बीच टेघरा गाँव के स्वर्गीय उमेश मांझी के 22 वर्षीय पुत्र विकास मांझी से प्यार हो गया। अब लड़की के फूफा अनारमा मांझी स्थानीय मुखिया सरपंच से लगातार गुहार लगा रहे हैं। वहीं बता दें कि पंचायती बुलाने पर भी बात नहीं बन पा रही है। गांव के मुखिया सरपंच वार्ड सदस्य समेत तमाम जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप के बावजूद भी अब तक लड़का पंच के तरफ से शादी के लिए हामी नहीं भरी गई है। पंचायत के जनप्रतिनिधि दोनों को बालिक होने की स्थिति में अस्थायी शादी की पहल करने में लगे हैं। मुखिया प्रतिनिधि रामू यादव का कहना है कि लड़की के फूफा अनारमा मांझी के अनुसार लड़का सिवान कोर्ट मैरिज का झांसा देकर 18 जून को घर से लेकर फरार हो गया। उसी दिन युगल जोड़ी महुआरी शिव मंदिर में भगवान को साक्षी मांगकर मंगलसूत्र और सिंदूरदान कर शादी की रस्म पूरा की। 3 दिन घर से फरार रहने के बाद 23 जून को पुनः टेघरा गांव पहुंच लड़के ने लड़की से पीछा छुड़वा लिया। लड़की ने आप बीती परिजनों से सुनाई, तब से परिजन स्थानीय प्रतिनिधि व अन्य सम्मानित लोगों के दरवाजे के चक्कर काट रहे हैं। पीड़िता के मुताबिक वे दोनों छुप छुप कर मिलने लगे और साथ जीने मरने की कस्में खाते हुए 7 जन्मों तक रिश्ता निभाने की बात कही। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और जब लड़की ने लड़के से शादी करने का दबाव बनाया तो लड़के ने शादी भी कर लिया। फिर शादी से ठीक 10 दिन बाद लड़की को रखने से मना कर दिया। अब लड़की न्याय के लिए इधर उधर भटक रही है। बहरहाल देखते रहिए वन न्यूज। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे अब आपके शहर सिवान में भी विकास डिजिटल कमल जयमाला सेट। किसी भी शादी विवाह के शुभ अवसर पर बुक करने के लिए संपर्क करें विकास बाबू को। मोबाइल नंबर 7462862592।